आपको यूट्यूब चैनल की नॉलेज पे वरुण बेवरेज। अगर आप देखते हैं वरुण बेवरेज का जो है Q4 का रिजल्ट आ चुका है, एक बहुत ही बढ़िया इसने रिजल्ट पोस्ट किया है और इस वीडियो में हम लोग इसके शेयर को लेकर वरुण बेवरेज के और जो रिजल्ट है उसको लेकर डिटेल में समझेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, KPP स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। दोस्तों वरुण बेवरेज के शेयर में अगर आप देखते हैं तो एक हफ्ते के अंदर इसमें जो है 1.59% का रिटर्न देखने को मिला है और वन डे के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो लगभग 0.11% का रिटर्न देखने को मिला है। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है और इसमें अगर आप देखते हैं तो अच्छा खासा हम लोग को रिटर्न भी देखने को मिला है बहुत बार। और ये शेयर का अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो इसका एक दिन का यहाँ पे हाई प्राइस देखने को मिल रहा है, लो प्राइस देखने को मिल रहा है वो है 1,442.15 पैसे का और जो हाई प्राइस है 1,479.85 पैसे का। तो स्टॉक यहाँ से थोड़ा तेजी बना सकता है और इसका 50 डे का जो लो प्राइस था 686.67 पैसे का और 50 डे का जो हाई प्राइस है वो देखने को मिल रहा है 1,479.85 पैसे का। तो Q4 का जो रिजल्ट है दोस्तों उसके चलते स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मतलब शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि या ये जो शेयर है वरुण बेवरेज इसमें अगर देखेंगे तो मतलब बाई करके चल सकते 79%। आप देख सकते हैं यहाँ पे 79% का मानना है कि इस स्टॉक में हम लोग बाई करके चल सकते हैं। होल्ड करने के लिए 21% कह रहा है, सेल करने के लिए 0%, मतलब सेल करने के लिए फिलहाल बिल्कुल भी नहीं कोई कह रहा है आपको वरुण बेवरेज के शेयर में। 79% का मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि वरुण बेवरेज के शेयर में बाई करके चलिए चल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे दोस्तों मार्केट कैप आप देख सकते हैं इसका जो है जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है वरुण बेवरेज का वो है 93,874 करोड़ का एंड पी रेशियो जो कि 62.69 के आसपास है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वरुण बेवरेज का जो शेयर होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इसके Q4 के रिजल्ट को लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो है प्रोमोटर्स के पास आप देख सकते हैं 63.90% का स्टेक शेयर होल्डिंग में। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है उनके पास अभी भी उतना स्टेक है 63.90% का एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 26.45% का स्टेक था। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा स्टेक घटा दिया है, 26% का कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके पास 6.38% का स्टेक था, रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टेक बढ़ा दिया है 6.65% कर दिया है। म्यूचुअल फंड के पास 2.93% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक घटा दिया है 2.71% का कर दिया है। वही बात करते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास जो है 0.74% का स्टेक था और माफ कीजिए 0.34% का स्टेक था और लोगों ने स्टेक बढ़ा दिया है 0.74। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वरुण बेवरेज की जो यहाँ पे रिजल्ट आया है एक जबरदस्त रिजल्ट इसने पोस्ट किया है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ पेप्सी को वरुण बेवरेज ऑन ट्यूजडे रिपोर्टेड 69% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू रुपीज 429 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2023। तो इसका रिजल्ट देख सकते हैं जहां पे इसने 69% ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो इसका जो है प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हुआ है 429 करोड़ का 31, 2023 मार्च का। तो यहाँ पे द कंपनी हैड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 254 करोड़ इन द सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल पहले इसी क्वार्टर का अगर आप देखते हैं तो इस कंपनी का वरुण बेवरेज का जो नेट प्रॉफिट था वो था 254 करोड़ का एंड यहाँ पे कंपनी का जो है जो रेवेन्यू से और मतलब जो इसका रेवेन्यू हुआ है ऑपरेशन से बड़ा है आप देख सकते हैं जहां पे 37.8% ईयर ऑन ईयर में देखने को मिल रहा है जंप हुआ जो कि 3952.5 करोड़ का है 3952.5 करोड़ का इन द क्वार्टर और उसके पहले का जो था वो था 2867.4 करोड़। तो दोस्तों यहां पे भी आप देख सकते हैं वरुण बेवरेज का जो ऑपरेशन से रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है वो 37.8% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है जो कि हुआ है 3952.5 करोड़ का और जो एक साल पहले इसी क्वार्टर का था वो था 2867.4 करोड़ का। तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है ऑपरेशन से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वरुण बेवरेज एट देयर मीटिंग कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड द सब डिविजन स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ वन इक्विटी शेयर हैविंग
ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप इनटू टू इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 5 ईच फुल्ली पेड अप सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है इसको, लेकिन वो आप देख सकते हैं मतलब जिसके पास भी शेयर है तो यहाँ पे जो उसको स्प्लिट किया जा रहा है, जिसके पास भी शेयर है एक रुपया जो यहाँ पे बोल सकते हैं 10 रुपीज़ के इसमें से, तो उसको जो है अभी यहाँ पे उसको 2 शेयर मिल जाएगा इक्विटी का। और यहाँ पे इसका ये डिपेंड करता है जो भी शेयर होल्डर्स है उनके अप्रूवल के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स ने जो एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट दिया है कि स्प्लिट करने का सोच रहे, तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है। एंड द रिकॉर्ड डेट ऑफ सब डिविजन स्प्लिट एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स शेल बी डिसाइडेड आफ्टर टेकिंग जो इसका अप्रूवल है ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जो इसका स्प्लिट करेगा या फिर सब डिविजन जिसको मतलब जो स्प्लिट वगैरह करेगा इसके शेयर्स को, उसका रिकॉर्ड डेट जो यहाँ पे बताया जा रहा है अप्रूवल लेने के बाद ही बता सकता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है एक्सचेंज को जब एक्सचेंज फिलिंग में जो इन लोगों ने ये बताया वरुण बेवरेज के ओर से। और दोस्तों फिलहाल अभी देखते हैं तो 1400 के आसपास शेयर ये चल रहा है वरुण बेवरेज का, तो हमें लगता है कि ये शेयर अगर कोई होल्ड करता है तो यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 6 महीने के अंदर आप देखते हैं अगर वरुण बेवरेज के शेयर में 29.53% का जो इसमें रिटर्न देखने को मिला है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं जो इसमें एक लो प्राइस बनाया था, तो फिलहाल यहाँ पे एक लो प्राइस बनता हुआ दिखा था इसका, जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो 1135 रुपीज़, लगभग 1100 रुपये के आसपास ये शेयर पहुँच गया था। उसके बाद स्टॉक में एक तेज़ी बना, 1239 के पास पहुँचा, उसके बाद स्टॉक में फिर से एक गिरावट बना जो कि 1153 रुपीज़ के आसपास फिर से स्टॉक में तेज़ी बना। तो बहुत बार स्टॉक में जो एक गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। और वही बात करते हैं वन मंथ के अंदर इसमें एक गिरावट बनता हुआ दिखा था 1381 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पे भी एक गिरावट बनाया था 1393 रुपीज़ के आसपास। फाइव डेज के अंदर बात करते हैं दोस्तों, तो फाइव डेज के अंदर भी स्टॉक में अगर देखेंगे तो अच्छा खासा तेजी बनता हुआ दिखा है। तो फिलहाल ये शेयर 6 महीने से देखने को मिल रहा है कि एक जबरदस्त तेजी दिया, और वन मंथ के अंदर भी अगर देखते हैं दोस्तों 3.15% के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, फाइव डेज के अंदर 0.62% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है अगर देखेंगे तो एक दिन के अंदर जो ये स्टॉक में 0.9% का तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है दोस्तों इसका जो Q4 का रिजल्ट का अपडेट अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके चलते स्टॉक में और जबरदस्त तेजी बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वरुण बेवरेज को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कंपनी का आप देख सकते हैं मतलब अच्छा खासा ये रिजल्ट पोस्ट करता है, एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि 17.6% के आसपास है। कंपनीज मेडियन सेल्स ग्रोथ इज 18.3% ऑफ लास्ट 7 ईयर्स। तो वरुण बेवरेज का अगर आप देखते हैं सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, अच्छा खासा ये डिविडेंड पोस्ट करता है। CAGR की बात करते हैं जो कि 49.2% है लास्ट मतलब पास्ट 5 ईयर्स में अगर देखते हैं बात करते हैं, तो और इसका जो डिविडेंड पे आउट है बहुत ही हेल्दी है, 17.6% के आसपास है। वही दोस्तों आप कुछ चीज देख सकते हैं जहां पे इसका स्टॉक का जो प्राइस अभी जो चल रहा है वरुण बेवरेज का, तो स्टॉक के प्राइस में आप देख सकते हैं जो कि 18.6 टाइम्स, इसका जो बुक वैल्यू है उसे 18.6 टाइम्स में चल रहा है, जो कि हो सकता है कि मतलब स्टॉक थोड़ा गिरावट बने, क्योंकि जितना बुक वैल्यू कम रहेगा कोई भी शेयर का उतना वो शेयर के लिए अच्छा रहता है, वो आगे तेजी बढ़ा सकता है। अभी यहाँ पे कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऐसा बताया जा रहा है। प्रोमोटर जो है वरुण बेवरेज का, उन लोगों ने यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है जो पास्ट 3 ईयर्स में देखते हैं तो लगभग जो है 4.15% के आसपास जो इसने स्टेक कम किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है वरुण बेवरेज के लेके डिटेल्स में। तो अभी अगर आप देखते हैं तो वरुण बेवरेज के शेयर्स को दोस्तों एक बहुत बड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि आगे चल के इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। वो सब आपको ध्यान देना है कि शेयर जो है फिलहाल अभी यहाँ पे जो इसका बुक वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा में चल रहा है, तो वो सब ध्यान देने के बाद ही आपको खरीदना, और फिलहाल जिसके पास स्टॉक है दोस्तों बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिट को लेकर एक अपडेट आया है वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त फायदा कर सकता है। आपको क्या लगता है वरुण बेवरेज के शेयर को लेकर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे आपको जो वरुण बेवरेज का शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।